नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में फास्ट मल्टीप्लाई का ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। ओमनीसेंट मैथ के तहत जो है अब ये शुरुआत है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अधिक से अधिक जो है मैथ्स पे भी जो वीडियो आएंगे धीरे धीरे, जो इतने सारे टॉपिक है सबको लिया जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन किया, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैथ के और भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि वीडियो कितना चलता है, और अधिक से अधिक अगर व्यू आएगा, डिमांड आएंगे आपके, तो अधिक से अधिक जो है और भी इसी तरह के ट्रिकी मैथ्स के जो है वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज तीन डिजिट का, ठीक है, तीन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, वो भी फास्ट, कुछ सेकेंड में, मात्र कुछ सेकेंड में। बस देखते ही आप आंसर बता दीजिएगा, ये आपके ऊपर होगा। लेकिन थोड़ा सा बिना, सिर्फ एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए और एक सेकंड में बता दीजिए कि किस तरह जो है थ्री डिजिट का जो है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। और एक तरह से दिखाइए अपने दोस्तों के बीच में कि बहुत थोड़ा सा दिमाग है, और लेकिन अगर ट्रिक जानते हैं तो सभी को कर सकते हैं। इसलिए सभी से अपेक्षा है कि सभी को जो है इस तरह का ट्रिक को पता रखना चाहिए, क्योंकि स्कूली क्लास में छोटे छोटे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको सॉल्व इस तरह का किया करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इसी तरह का जो चैप्टर रहता है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है 105 और 109 नंबर मैंने लिया है आपके लिए ताकि आप अधिक से अधिक समझे, और 105 और 109 में क्या खास है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दो बात है, तीन डिजिट का नंबर है, आप यहाँ देखिए पाँच है, यहाँ पर 109 में 9 है। ये अब देखिए ये पाँच जो नंबर है, ये नंबर पाँच और ये नंबर 9, थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि एक सेकंड में तो बता ही देंगे आप। तो क्या करना है, इन दोनों को पहले आप समझ लीजिए कि कैसे करना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला बार में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और दूसरे बार में क्या करेंगे दोस्तों कि मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब कैसे आप समझिए, ये है चूँकि तीन नंबर में है तो क्या करेंगे, ये चाहे 5 को 9 में या 9 को 5 में जोड़ेंगे, बात एक ही है। तो कितना होता है दोस्तों, 114 हो जाता है, जो कि इधर 0 है, तो 114 यानी 114 आ जाएगा। अब यहाँ और भरना है दो नंबर और, तो यह इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 5 = 45, हमारा आंसर मिल गया। देखिए यही ट्रिक है, कुछ इसमें मल्टीप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ट्रिक लगाना है कि कैसे होगा। तो बहुत ईजी हो गया ना, 5 में 9 को पहले जोड़ देंगे, फिर 5 में 9 को या 9 को 5 में, नंबर कोई मल्टीप्लीकेशन या जोड़ने से अंतर कुछ नहीं आता। तो ये हो जाएगा 1 1 4 4 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट है 103 आइए 106। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, 3 और 6 को ध्यान में रखें। तो पहले क्या करेंगे कि पहले करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों से। तो हो जाएगा दोस्तों 6 × 3 = 9, तो हो जाएगा 109, ठीक है 109 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18, तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा सिंपल था। नेक्स्ट है 108 है, और 108 को 107 में मल्टीप्लीकेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सीधा आंसर लिखते हैं, चूँकि आप अच्छे तरह समझ जाइए। तो देखिए ये होता है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है, और आंसर हो जाएगा दोस्तों 115, ठीक है, उसके बाद 56 ये हो जाएगा। अब देखिए 8 × 7 = 15 होता है, और 8 × 7 = 56 होता है, सिंपल सा है आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 4 है 6 है, तो कितना होगा, तो 10 हो जाता है, 6 × 4 = 10, और 6 × 6 = 24, तो 110, और ये देखिए 24, तो 10 = 24 एक लिख देंगे पहले से आंसर। तो सिंपल सा है, ठीक है, तरीका आप देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, 6 × 6 = 24 हो जाता है, 6 × 4 = 10 हो जाता है, आंसर यही है। नेक्स्ट है 102 और 109, तो 9 × 2 कितना होता है, 11 होता है, तो 111 कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 9 × 2 = 18 कर देंगे, ये हो जाता है आंसर, सिंपल है। दोस्तों कुछ और प्रैक्टिस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए 106 है, अब सीधा आंसर उम्मीद करते हैं कि आप जानते, तो कमेंट कीजिए। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 7 × 6 = 13 हो जाता है, तो 13 × 13 113 लिख देंगे, मतलब 7 × 6 = 7 कितना होता है, 42 हो जाता है, यानी तो आंसर हो जाता है दोस्तों 1 1 1 1 3 4 2। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, दो और देख लेते हैं, जबकि सीधा फास्ट में देखिए ये 6 है और ये 14 है,
तो कितना आ रहा है, 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, 6 6 14 120 है, या देखिए 14 6 जा कितना होता है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 84 84 हो जाएगा। तो ये देखिए 84 का 84 यानी कि 12084 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सीधा आंसर लिखेंगे हम लोग, ये देखिए 3 है और ये देखिए 11 है, तो क्या आता है 3 और 11 क्या होता है 14 होता है, तो 114 हो जाएगा। उसके बाद 11 3 कितना होता है दोस्तों 33, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था फास्ट मल्टीप्लिकेशन, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। देखिए क्विक है, 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस ट्रिक है उसको समझ लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी कुछ और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स रेगुलेशन को लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी तभी मिल पाएगी आपको सबसे पहले दोस्तों, और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।